कर भाई मेरे छोटे भाइयों बहनों, आज जैसा कि आप सबको पता है कि 15 अगस्त है, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त पर हम आज़ाद हुए थे और तब से ये 15 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, आपको पता है कि इस आज़ादी को पाने के लिए भारत के लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए, तब जाके आज हम आज़ाद हुए हैं। और आज हम अपने मन मुताबिक अपना जीवन जी रहे हैं। इसके लिए हमें उन लोगों का हमेशा आजीवन ऋणी रहेंगे और सभी लोग उनके ऋणी रहेंगे। मेरे साथियों, इसके साथ ही उन लोगों का काम तो समाप्त हो गया, उन्होंने आज़ादी प्रोवाइड कराई। इसके बाद अब हम लोगों का भी कुछ दायित्व तो है कि उस आज़ादी को बरकरार कैसे रखा जाए। एक व्यवस्था जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है विरासत के रूप में, हम अपने आने वाले पीढ़ी को या अपने छोटे भाइयों को बहनों को कैसे उसको व्यवस्था को लगातार बरकरार रखते हुए चला जाए, उसके लिए सभी का आप सब लोगों के अंदर अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति देश के बारे में तभी वो बेहतर कर सकता है जब वो अपने स्वयं के बारे में बेहतर कर सकता है। यदि वो अपने आप में ही अनुशासित नहीं है, उसका अपने को लेकर ही कुछ कोई दिशा निर्देश क्लियर नहीं है, तो वो देश के काम भी कभी नहीं आने वाला और ना ही वो किसी तरीके से देश का भला कर सकता है। तो आप सब लोग जो कि यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग बहुत ही अनुशासित बच्चे हैं और सब लोग शांति से बैठे हुए हैं। आज के समय जो है मोबाइल का युग है, आप सब लोगों के पास मोबाइल है जो घर में है। अब हम नहीं कह सकते हैं आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी सभी माध्यमों में, जब से ये मोबाइल आया एक क्रांति आ गई है। तो आप लोग यदि चाहें आज के समय में एक से एक बेहतरीन टीचर, एक से एक बेहतरीन ज्ञान वाले व्यक्ति आपको निशुल्क यूट्यूब या अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, वहाँ से आप इन चीज़ों का भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपने आप को ज्ञानवित कर सकते हैं। साथ ही यदि आप अपने आप को बेहतर करते रहेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल वगैरह में भी 15 दिन में अपडेट आता है, तो आप लोगों को भी यदि समाज के साथ चलना है, एक सिस्टम के साथ चलना है, तो अपडेट रहना बहुत आवश्यक है। जब मोबाइल में अपडेट हो सकता है तो हम अपने आप को अपडेट क्यों नहीं सकते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने देखा भी होगा, अपने आप पास में सराय दौलत में सब्जी का बाजार लगता है, जो कि कोविड से पहले सुबह 5 बजे बाजार लगा करता था। कोविड लगा अचानक से, तो जो किसान हमारे आपके माँ बाप और चाचा ताऊ थे, उन लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें परिवार पालना था, तो उस सब्जी को कैसे बेचा जाए। तो उन लोगों ने रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे जाके सब्जी का बाजार लगाना शुरू किया और वो जाते रहे। हालांकि कोविड आया और 4-6 महीने के बाद चला गया, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो माँ बाप हैं, उन्होंने उस व्यवस्था को आज भी जारी रखा हुआ है। अब आप जाके देखें तो आज भी सराय दौलत का जो बाजार है वो 2 से 2.5 बजे के बीच सुचारू रूप से चालू हो जाता है, और वहाँ जाने वाले हमारे और आपके पिता, चाचा और भाई लोग ही जाते हैं। यदि वो लोग एक छोटी से एक वायरस की वजह से अपने आप के जीवन में एक तुरंत विकास कर लिया, उन्होंने इसको अपनी आदत बना लिया, चाहते तो कोविड के बाद से वापस बाजार सुबह 5 बजे शुरू हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने समय का सदुपयोग करने के लिए, जो भी लोग सब्जी वगैरह काम करते हैं, 2 बजे बाजार जाके वहाँ पे सब्जी बेच के 5 बजे वापस भी आ जाते हैं। तो वैसे ही आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम इस समय आप लोगों का ये है कि एक बेहतरीन ढंग से केवल और केवल आपको पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए। आज यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं,